हाल ही में हमने देखा केपीसीसी में जो है मुसलमानों की ज़्यादातर शुमालियत को लेकर आप सब लोग जमा थे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों अभी जाकर जो है मुसलमान नुमाइंदों को ज़्यादा उसमें लेने की बात चल रही है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए एक चीज़ मैं कहता हूँ, मजहबी एतबार से या ज़ात के एतबार से हम किसी सियासी पार्टी में नहीं है। पार्टी के उसूलों को सामने रखकर हम कांग्रेस पार्टी की ताहिद करते आए हैं और कांग्रेस से हमें है ना नुमाइंदा बनने का भी मौका मिला है। हाल ही में जो हमारी मीटिंग रही, इसमें है ना अहम तीन मुद्दे थे। एक, मौजूदा मुल्क के हालात, इसमें है ना किस तरीके से हमें है ना लोगों के सामने और आवामी एतबार से किस तरीके से बात करना है। गलत फहमियाँ सौ हैं हमारे सामने कि केपीसीसी के सदर ने कहा कि है ना हिजाब के मामले में कोई बात नहीं करेगा। वो पूरा जुमला ये था कि हिजाब के मामले में कोई बात नहीं करेगा, जिसे जिम्मेदारी दी गई है वो बात करेगा, उसको कट करके मीडिया में दूसरे तरीके से आया। तो इन चीज़ों को लेकर हमने बात रखा। दूसरा, सियासी एतबार से, क्योंकि हमारी सियासी जमात है, सियासी एतबार से वोटर लिस्ट जो पूरे मुल्क में ख़ास तौर से मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है, इसे ना होशियार रहना और इसे किस तरीके से ना रोका जा सकता है और सही वोटर को वोट करने का हक उसको ना दिलाना, ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। इसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, इन चीज़ों के ऊपर हमने ना बहस की है। तीसरा, आज जो शहरी एतबार से कॉरपोरेशन है, MLA हैं या MP हैं, नुमाइंदगी का जब दौर आता है तो एक या दो सीट, चार सीट, पांच सीट हमें ना मिलती हैं, जीते हारे ये चीज़ अलादा है। लेकिन लोकल बॉडीज़ में जो है ना खरीये में तालुक पंचायती है, ग्राम पंचायती है, जिला पंचायती है, इसमें है ना हमारी नुमाइंदगी किस तरीके से होनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी हमने बहस किया कि हमने ये डिमांड किया है कि हर तालुक को एक मुसलमान को देना ज़रूरी है और तालुक पंचायती में वहाँ के आबादी के लिहाज से हमारी नुमाइंदगी किस तरीके से होनी चाहिए। देने की नीयत, जीतने की उम्मीद रखना, जीतना हारना आवाम का के हाथ में है, लेकिन नई नुमाइंदगी उरूज में लाना, पैदा करना, ये हमारे ऊपर एक फ़र्ज है। तो इस लिहाज से है ना KPCC में हाल ही में जो मीटिंग हुई थी, खुलकर बात हुई। ये ऐसा नहीं है कि ना हम किसी पार्टी के तहत ना गुलामी में हैं। हमारा मसाइल पेश करना और उसके ऊपर हल ढूंढना, ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो इस लिहाज से शहर के एतबार से भी जहाँ MLA मुसलमान का है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे कॉरपोरेटर्स लोकल बॉडी में म्यूनसिपालिटी के जो नुमाइंदे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात हुई है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसे और खुलकर किस तरीके से है ना काम कर सकते हैं और मिल्लत को किस तरीके से ताकत दे सकते हैं, इसके ऊपर बात हुई। सर, आने वाले दिनों में वज़ीर आला कौन नुमाइंदा होगा, कौन होगा? पहले बच्चा पैदा होने दो, उसके बाद नाम रखेंगे। आप लोग क्या सोचे? बच्चे को पैदा करने की पूरी कोशिश चल रही है। आप सब मिलकर MLA जो है क्या सोचे हैं? देखिए एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि पहले पार्टी इख्तदार में आना ज़रूरी है, उसके बाद नुमाइंदे जो जब जीत कर आएंगे वो फैसला लेंगे, उन फैसलों को है ना हाई कमांड से मंजूरी लेना ज़रूरी है। इस लिहाज से हर कोई रूलिंग पार्टी से जीत कर, चाहे वो 120 हो, 125 हो, 130 हो, हर कोई है ना वज़ीर आला बनने का हक रखता है। तो इस वजह से ये बात ज़रूरी नहीं है कि है ना कौन बनेगा, ख्वाहिशात सब हैं जी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन है ना क्या होता है, दम निकल गया तो फिर जिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।